कोविड-19 जैसी महामारी के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार लोगों के बचाव के लिए निशुल्क वैक्सीनेशन का कार्य युद्ध स्तर पर चलाने का प्रबंध कर रही है, किंतु भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण इसमें भी रिश्वतखोरी का घुन बड़े पैमाने पर लगता दिखाई दे रहा है। आज कायमगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन का कार्य 10 बजे प्रातः शुरू होने से पहले वैक्सीनेशन कराने वालों की भारी भीड़ लाइनों में लग चुकी थी। इसमें लाइन में लगी भीड़ आक्रोशित हो उठी, भीड़ ने जमकर हंगामा काटा। इस पर काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे आगे लाइन में लगे लोगों ने आपत्ति जताते हुए फिर हंगामा किया। उधर वैक्सीनेशन कक्ष से कुछ लोग बाहर निकले, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अंदर वैक्सीनेशन के नाम पर 100-100 रुपए अवैध वसूली की जा रही है। जो लोग बिना किसी आनाकानी के रुपए दे देते हैं उन्हें टीका लगा दिया जाता है, जो नहीं देते उन्हें वापस लाइन में भेज दिया जाता है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों के साथ कई घंटों तक अस्पताल परिसर में हंगामे की नौबत बनी रही। जब जिम्मेदार अधिकारी इस तरह की अवैध वसूली पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो लोगों को न्याय कैसे मिल पाएगा, यह अनुत्तरित प्रश्न एक पहेली बन चुका है। कहाँ रहे थे आप? अच्छा, आज यहाँ वैक्सीन लगवाने कब भी आए थे आप? सर आए थे 9 बजे। इस समय समय क्या हो रहा है? 12 बजे। अभी तक नंबर नहीं आया। नंबर नहीं आया। तो आपको क्या लग रहा है कि अंदर हमें तो ये लग रहा है फॉर्जरी हो रही है। वहाँ लोग जाते हैं, कंपाउंडर लोग वहाँ ज़्यादा जमा कर देते हैं, उनका नंबर आया था, हम लोग खड़े हुए। हम तो सरकार में बहुत ही घोषणा संदर्भ में किसी से को ये आपने शिकायत की है? जी शिकायत तो ये होमगार्ड लोग हैं, इन लोगों से को बताया, सुनवाई नहीं हो रही। वो सुनवाई तो बेचारे खड़े हैं लेकिन उनकी चल नहीं रही। नाम समीर खान। कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, यहाँ वैक्सीन लगवाने कब जाए थे? सुबह 8 बजे। अच्छा, इस समय क्या स्थिति तुम्हें नहीं लग पाई है? नहीं, हमें क्या, हम सुबह 8 बजे से खड़े हुए हैं, मतलब कोई बंदा सुनवाई नहीं कर रहा। वहाँ पर आधार कार्ड लेके जा रहे हैं और 100-100 रुपये रख के ले आ रहे हैं। ये बंदे के गिरे नहीं 100 रुपये, रिश्वत लेके अंदर लग रही है वैक्सीन। मतलब हम लोग सब पागल हैं, कितने खड़े हुए हैं सब, ये पागल है, कोई नहीं लगा रहा है। अच्छा, अभी मैडम भी निकल के आई थी, कुछ महिलाएं पीछे से लगी हुई लाइन में, सुबह से लगी हैं, और उनसे आधार कार्ड ले लिए और अंदर चली गई हैं। इंजेक्शन दे दिए, उनके आधार कार्ड के अंदर उनके पैसे रखे हुए थे।